11 तारीख को जेपी जी के जयंती के अवसर पर छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा जनशक्ति यात्रा निकालने का काम किया गया। जेपी जी की प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से नंगे पांव हम लोग जेपी जी के आवास जाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आप सभी सुन लें कि तेज प्रताप यादव 11 अक्टूबर को 11 बजे नंगे पांव कहाँ जाने वाले हैं, आप उन्हीं के जुबान से पहले सुन लीजिए। 11 तारीख का कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस जनशक्ति सभागार में, लालू सभागार में हम लोग को बुलाया गया। इसलिए हम ये आपके पोर्टल्स के चैनलों के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि 11 तारीख को जेपी जी के जयंती के अवसर पर छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा जनशक्ति यात्रा निकालने का काम किया गया और आपके चैनलों के माध्यम से आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, मैं तमाम लोगों को दिन में 11 तारीख को 11 बजे सब लोगों आने का मैं निमंत्रण देने का काम करता हूं। तो जेपी जी की प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण करेंगे और वहां से नंगे पांव हम लोग जेपी जी के आवास जाने का काम करेंगे। सर, जो ये छात्र जनशक्ति परिषद बनाया गया, इसका एजेंडा क्या रहेगा? जिस प्रकार से जयप्रकाश जी का जो उस समय में जो संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने चलाने का काम किया था, जब जेपी मूवमेंट हुआ था, तो जेपी मूवमेंट में हमारे पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उभर करके आने का काम किए थे, एक छात्र नेता के रूप में उभर करके आने का काम किए थे। तो हम लोगों ने ये तय किया है छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा और तमाम जहाँ जहाँ से जो हमारे संगठन और जो लोग जितने नौजवान जो जुड़ने का काम कर रहे हैं तमाम लोगों से, तो इसमें हमारा जो हथियार है जिसको हम लोगों ने मिशन को लेकर के चलने का काम किया है, वो हथियार है टोटल रेवोल्यूशन का, संपूर्ण क्रांति का, जो कि जयप्रकाश जी ने चलाने का काम किया था। उस समय भी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने अहम मुद्दा को उठाने का काम किया था। और आज के डेट में भी इस सरकार में भी, डबल इंजन की सरकार में भी, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और आपका ये भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोगों ने अहम जो हमारा जो है हथियार इसको हम लोगों ने उठाने का काम किया। सर, एक चीज़ें छात्र युवाओं का ज़्यादा सपोर्ट आपको रहता है, लेकिन जो पार्टी बनाई गई है भूमिका क्या रहेगी? और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार से लगातार छात्र परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि पार्टी बनाई गई है, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं, जबकि ये तो एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था है और बहुत सारे लोग बहुत तरीके का आकलन लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का रहता है इसमें, खासकर वो हमारा जब समय आता है तब उन लोग का ये सब चीज़, चाहे चैनल का माध्यम हो या किसी का भी माध्यम हो, निकल कर इस तरीके का निष्कर्ष निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक संगठन है और इसमें समाज में जिस तरीके से जो बेरोजगारी जो फैला हुआ है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस संगठन को बनाने का काम किया है। और इसमें जेपी जी की जो विचारधारा, जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा जिन्होंने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो फैलाने का काम किया है, तो उनके मार्ग पर हम चलने का काम कर रहे हैं जितने भी छात्र हैं पूरे बिहार के। और जेपी जी के जो जयंती है उस मौके पे ये जो आंदोलन जो हम लोगों ने छेड़ने का काम किया है, टोटल रेवोल्यूशन का एलपी मूवमेंट जो हमने छेड़ने का काम किया है, इसमें हमारे किसान भाई भी, जो भारत में जिस तरीके से किसान भाई लगातार परेशान हैं, हताश हैं, और कई एक 600 से ज़्यादा किसान जो गाजीपुर में जिन्होंने शहीद होने का जो काम हुआ है, लेकिन इसमें उनको पूरे तरीके से हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे और उनके कदम से कदम मिला करके हम उनको पूरे तरीके से, जब तक उनको उनके हक की लड़ाई को जब तक हम लोग मजबूत नहीं कर देते, जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग किसान भाइयों का भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो सहयोग होकर के और एक होकर के तभी हम इसको पटखनियाँ दे सकते हैं, तभी वहाँ परास्त कर सकते हैं। अपने जो हम लोग का जो विचार है, जो सामाजिक न्याय का विचार हो गया, संपूर्ण क्रांति का जो विचार है, जेपी जी का विचार है, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, तो ये विचार हम लोग लेकर के जनता के बीच में आने का काम किए, इसलिए हमने संगठन को निर्माण करने का काम किया। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि हम बच्चे नहीं कहते कि तेज प्रताप यादव देश के बिहार के सबसे बड़ा नेता बनेंगे और सीएम वो बनेंगे, हम बनाएंगे, कल ये बयान दिया, सपोर्ट किया। देखिए,
अच्छे आदमी हैं। देखिए उनके बयान को तो मैंने सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है, सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। और कोई किसी के लिए भला सोचता है इसमें खुशी होना चाहिए किसी को भी, इसमें हम ही कह रहे हैं कि आप हम ही को मुख्यमंत्री बना दीजिए, या मतलब जिस सबका अपना अपना सोच होता है, दूसरे लोग दूसरे तरीके का सोचते हैं, दूसरे लोग हमको हीन भावना से देखते हैं, तीसरे लोग हमको अच्छे भावना से देखते हैं। तो इस समाज में बहुत तरीके के तबके के लोग होते हैं, हम किसी का निरादर नहीं कर सकते हैं। आप उन लोगों को क्या बोलेंगे जो बोलते हैं कि तेजप्रताप यादव आउट है राज्य से, उन पर तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा? और गुस्सा नहीं आता, वैसे लोगों के ऊपर हमको दया आता है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे हम लोग एलपी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि समाज के शिक्षित है ना, स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, लोगों के बीच शिक्षा को फैलाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो आपने सुन लिया कि तेजप्रताप यादव 11 अक्टूबर को 11 बजे कहाँ जाने वाले हैं। मैं बता दूं कि गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और उनके साथ सहयोगी छात्र जनशक्ति परिषद में जितने भी लोग मौजूद हैं वो लोग उनका सहयोग करेंगे और वहाँ से माल्यार्पण के बाद वो जयप्रकाश नारायण जी के आवास पे जाएंगे और उनके किए हुए कार्यों पे परिचर्चा करेंगे। तो सब ने तो पैच है, आपने सब चीज़ सुन लिया कि तेजप्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि वो ये भी कह दिए किसानों पे भी चर्चा करेंगे, वो किसानों के साथ भी खड़े हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो किसानों के साथ भी खड़े हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि किसान ही हमें अन्न देता है तो उनके साथ बुरा कैसे होने दे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।